न्यूजीलैंड से टीम इंडिया को मिली हार तो गौतम गंभीर पर भी टूट पड़ा पहाड़। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बदली जाएगी टीम। खुल गई कलई पुजारा की, हो सकती है वापसी। पुजारा होते तो मैच जिता देते, जो अच्छा स्पिन खेलता है उसको गौतम ने जानबूझकर किया बाहर। टीम में नहीं है ईशान किशन, ना अजिंक्य रहाणे के खिलाफ भी साजिश। गंभीर की मनमानी पड़ गई भारी, भारतीय टीम की हार एक तो नहीं बल्कि पांच है गुनहगार। गंभीर नहीं करते सिर्फ एक गलती तो न्यूजीलैंड की उड़ जाती धज्जियां। गौतम गंभीर की मनमानी, जिस तरीके से उन्होंने टीम बदलने की ठानी थी, वो पूरी तरीके से टीम इंडिया पर भारी पड़ रही है। आप सोच सकते हैं कि भारत अपने ही देश में 3-0 से न्यूजीलैंड से हार जाता है, अपनी ही पिच पर हार जाता है। मतलब इससे बड़ा कलंक किसी भी टीम पर आखिर क्या ही लग सकता है। न्यूजीलैंड मजे ले रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी मजे ही ले रहा है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ही भारतीय टीम को जाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज भारतीय टीम के लिए काले सपने से कम नहीं। इस सीरीज को जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास बनाने का सपना देख रही थी, मगर इतिहास खुद बनकर रह गई। टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को तो झटका लगा ही, लेकिन अब भारत के सामने और भी कई सारी मुश्किलें खड़ी हो गई। क्या है वो मुश्किलें, उन पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं भारत के 5 गुनहगारों की, जिनकी वजह से टीम इंडिया बुरी तरीके से सीरीज हार गई। सबसे पहले गुनहगार के तौर पर आप रख सकते हैं गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर वो कोच है जिन्होंने बीसीसीआई के सामने कई सारी डिमांड रखी, सारी डिमांड मानी गई, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है तो टीम एकदम घटिया खेल रही है। गौतम गंभीर का हमेशा से प्लान अटैकिंग क्रिकेट का रहा है, मगर इस सीरीज में ऐसा देखने को नहीं मिला। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को दबाव में लेकर आगे बढ़ रही हो। न्यूजीलैंड हमेशा इस पूरी सीरीज में हावी रहा। गौतम गंभीर ने जो भी रणनीति अपनाई सारी फेल हो गई। गेंदबाजी के मोर्चे पर तो टीम इंडिया ठीक ठाक रही, मगर बल्लेबाजी में भारत का सुपड़ा साफ हो गया। भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने को मजबूर हो गए, कोई भी खिलाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाया। गौतम गंभीर अगर ठीक रणनीति बनाए होते तो उनको पता होता कि किस तरीके से स्पिन गेंदबाजों को खेलना है, और भारतीय टीम को सही कोचिंग मिली होती तो शायद यह हश्र नहीं होता। लेकिन सिर्फ गंभीर ही नहीं, रोहित शर्मा भी इस बार गुनहगारों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। रोहित शर्मा के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई, ना तो उनसे कप्तानी अच्छी हो पाई ना बल्लेबाजी, जिसकी वजह से टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। रोहित वो खिलाड़ी है जिनसे हर कोई यही उम्मीद करता है कि ये कप्तानी पारी खेलेंगे। एक मुकाबले में ना चलना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनका स्टाइल ही खेलने का एकदम अलग है। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं जिसकी वजह से कई बार वो आउट हो जाते हैं, मगर पूरी सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म हो जाए ये बुरी बात है। एक कप्तान का बल्ला नहीं चलेगा, एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का बल्ला नहीं चलेगा तो फिर भारतीय टीम मैच कैसे जीत पाएगी। इसके अलावा विराट पर भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं। विराट कोहली वो बल्लेबाज है जो कभी भी मैच का पैसा पलट देते हैं। विराट कितने ताकतवर है बताने की जरूरत नहीं, पर विराट का विराट अंदाज पूरी सीरीज में देखने को नहीं मिला। एक बार तो फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो गए। पूरी सीरीज में विराट का बल्ला खामोश रहा और नतीजा भारतीय टीम को 3-0 से हार मिली। बाकी के गुनहगारों के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर यशस्वी और शुभमन गिल और सरफराज का नाम शामिल कर लीजिए। सरफराज खान को मौका दिया गया था, घरेलू क्रिकेट में रणजी में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, मगर उन्होंने भी दिल तोड़ने का काम कर दिया। माना जा रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बदलाव किया जाएगा, कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में लाया जा सकता है। खबर के मुताबिक चेतेश्वर पुजारा की तरफ टीम आगे बढ़ सकती है। पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा किया और ऑस्ट्रेलिया के पिच पर जबरदस्त बल्लेबाजी वो पहले भी दिखा चुके हैं। जो भी हो, मगर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज करनी है तो दम लगाकर खेलना होगा, खराब बल्लेबाजी नहीं करनी होगी। दोस्तों, इस हार के लिए आप किसको गुनहगार मानते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं।